हेलो दोस्तों, पीसी टेक्नोलॉजी में आप लोगों का स्वागत। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो अपडेट्स फाइल को जो हम लोग बैकअप करके फाइल को सेव करते हैं और उसको यदि आपका दोस्त उसको यूज़ करता है तो क्या वो एक्टिवेट हो सकता है और रिन्यूअल हो सकता है जो कि उसके लाइसेंस की से। तो इसी के बारे में वीडियो हम के माध्यम से जानेंगे कि क्या ये बात सही होता है कि गलत होता है। तो दोस्तों, जैसे कि अभी जैसे कि अपडेट्स है, ये हमारा अपडेट सेव अपडेट्स कराता है जो आप लोग इसको सेव करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर सेव कर चुका है दोस्तों, तो मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों। यदि कोई व्यक्ति आपका दोस्त है तो वो अगर 32 ऑपरेटिंग में है और अब 64 में है, आप उसका जैसे कि ये बैकअप फाइल है दोस्तों, ये बैकअप फाइल है दोस्तों, और मैंने यहाँ पर बैकअप फाइल किया है जो कि सेव ऑल फाइल में है ये। तो ये यदि मेरा दोस्त इसको लेकर अपने अपने सिस्टम में यूज़ करेगा और उसका 64 है तो वर्क नहीं करेगा, पहला कंडीशन में दोस्तों। दूसरा कंडीशन में अगर इसको यूज़ भी करेगा, अगर 32 बाइट का हो या 64 बाइट का, जैसे कि मैं 32 में हूँ, मैं तो वो 32 में यूज़ भी करेगा मेरे बैकअप फाइल को, तो उसका एक्टिवेट नहीं होगा। कारण क्या है दोस्तों, जैसे कि ये मेरा 2023 का, ये दो मेरा 2023 का है और मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया है 2020 का, तो ये अपडेट फाइल वहाँ वर्क करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम सेम होना चाहिए तब वहाँ पर वो 2020 का वो 2023 हो सकता है, लेकिन आपको एक्टिवेट करने का आवश्यकता पड़ेगा, आपको लाइसेंस की खरीदने की जरूरत पड़ेगा यहाँ पर है। क्योंकि ये फाइल दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो फाइल को बैकअप किया है वो बैकअप कौन सा होता है दोस्तों, ये बैकअप ये वाला होता है पोर्शन, जैसे कि हम फाइल लोकेशन की ओर आते हैं। तो आप लोग का जो बैकअप करता है दोस्तों इस फाइल को, लोकेशन को, जैसे कि नेट प्रोटेक्टर 20A करके दे दिया है, और ये तो प्रोग्राम फाइल है जो कि 32 बाइट के लिए है और इसी को ये बैकअप करता है। तो बैकअप में आपको जो लाइसेंस की है, अननोन कोड है, सर्वर की है जिसका, और ये जो हार्ड डिस्क का जो उसका जो नंबर है वो उसमें ऐड नहीं रहते हैं दोस्तों, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देना चाहूँगा दोस्तों। तो मैं सबसे पहले अपडेट्स में आता हूँ और यहाँ पर मैं जो कि मैं अपडेट्स कर चुका हूँ, जो कि ये और पोर्शन आता है दोस्तों। यदि मेरे बात मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसमें मैं इसको प्रैक्टिकल कर चुका हूँ मैं, और इसके बारे में मुझे अच्छा से जानकारी इसके बारे में है, और इसके बारे में आपको मैं अच्छा से पूरा इस पर समझा दूंगा मैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर अब डैशबोर्ड की ओर आते हैं हम लोग, है लाइसेंस की ओर आते हैं दोस्तों। जैसे कि आप अब देख रहे हो लाइसेंस की यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, एक्टिवेशन कोड दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बना चुका है कि इसको हम लाइसेंस की एक्टिवेशन कोड को किस प्रकार से छुपा सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। तो जैसे कि रिन्यूअल मेरा यहाँ पर 24-1 साल अभी के ऊपर है मेरा, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। जैसे कि मैंने यहाँ इसको बैकअप कर चुका है जो कि एक्टिवेट कंडीशन पर है, अब यहाँ पर मैं रिसेट कर देता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि ये कंडीशन ये हो जाएगा, जैसे कि आपके पास 2020 का था और आपने एक्टिवेट कर लिया है तो वो एक्टिवेट 2023 का बन जाएगा, जरूर बन जाएगा, लेकिन आपका 32 बाइट का रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके भी 32 बाइट का ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा तब ये वर्क कर लेगा, अगर 64 का रहेगा तो वर्क नहीं करेगा, कंडीशन है। ठीक है दोस्तों, ये बात का पॉइंट रखिए। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, ये जो बैकअप करेंगे तो इसका जो लाइसेंस की आपके पास नहीं, इसलिए नहीं रहेगा दोस्तों क्योंकि जो लाइसेंस की आपके पास, ये तो दो तरीका से आपके पास मिलेगा वहाँ पर, या तो आपको सी ड्राइव पे मिलेगा जो कि एनपी की के नाम पर आएगा जो कि इसको बैकअप में नहीं लेता है, दूसरा जो इसका रजिस्ट्री के पास जो आता है, जो करंट यूजर के पास आपका इसके जो फाइल्स जाते हैं वहीं पर इसका लाइसेंस कोड और इसका जो कि अननोन कोड वहाँ से मिलता है जो कि ये बैकअप नहीं करता है। तीसरा पॉइंट में जो कि हमारे पास जो रजिस्ट्री के पास जो लोकल मशीन होता है जो कि मैसेज लैब के पास है, जो की होते हैं उसी फोल्डर के पास हमारे पास जो कि उसका लाइसेंस और अननोन कोड को ये बैकअप नहीं करता है, इसलिए ये एक्टिवेट नहीं करेगा। आपको रिन्यूअल के लिए आपको या तो आपको उसका लाइसेंस की आपको बाय करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर मैं अब आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये क्यों नहीं होता है, कि मैं इसे बता चुका कि इसका जो लाइसेंस की है और उसका अनलॉक कोड है वो रजिस्ट्री के पास नहीं गया है
अगर आपने किसी भी दोस्त के पास से उसका अल्लो कोड को यूज़ भी करेंगे दोस्तों, तो आपका लैन जो कार्ड है वो मैच नहीं करेगा, और दूसरा इसका जो सर्वर जो है वो मैच नहीं करेगा यहाँ पर है, तो आपका एक्टिवेट नहीं होने वाला। ये पॉइंट हमारे पास इसको देखना पड़ता है कि इसका जो सर्वर लाइसेंस की हार्ड डिस्क का जो कोड कार्ड होता है वो उसको मैच करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि अब यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों कि मैंने ये जैसे कि मैंने किसी दोस्त के पास से ये फोल्डर को ले लिया है, बैकअप फोल्डर को, और मैं यहाँ पर उसको इंस्टॉल करता हूँ। इसको दोस्तों मैं स्किप कर लूँगा क्योंकि इसमें प्रोसेस में थोड़ा समय लगता है, इसके जैसे कंप्यूटर आएगा इसके बारे में बताऊँगा क्योंकि समय लग सकता है। तो दोस्तों इसमें ये होगा कि इसमें जो आपको जो लाइसेंस है वो आपका रजिस्ट्री की ओर जा नहीं रहा है, ठीक है दोस्तों, तो आपका ये एक्टिवेट नहीं होगा यहाँ पर है। तो जैसे कि अभी ये कंप्लीट होता है, इसके बारे में और आगे इसके बारे में जानेंगे कि ऐसे क्यों हो रहा है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा इस वीडियो में। जैसे कि दोस्तों ये हमारा जो कि रिस्टोर हो चुका अपडेट फाइल जो सक्सेसफुली हो चुका है, इसको मैं बंद कर देता, इसको नीचे रहने देता हूँ उसको, और इसको मैं फिर से ओपन करता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का अभी ऑप्शन आ रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर अपडेट कर चुका है। तो दोस्तों इस पॉइंट में आपको ध्यान देने वाली बात होता है कि आप अपडेट फाइल्स को लेंगे, जैसे कि आपके पास 2020 का है और अभी किसी दोस्त के पास से इसको जो अपडेट फाइल्स है उसको ले लेते हैं तो वो रिप्लेस कर लेगा। मतलब ये होता है कि दोस्तों कि आप इसको जो बैकअप कर रहे हैं ये आप इसको एक्सक्रेट करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा कि आपके पास जो या तो आप नया फ्रेश एंटीवायरस को आप डाउनलोड कर लीजिए, नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस को, या तो आपको जो आपके दोस्त के पास से आपने लिया है बात एक ही हो जाएगा यहाँ पर है, कोई डिफरेंस इसमें नहीं आता है, और जो कि जो सेव हम लोग ऑल फाइल में जो कर रहे हैं तो वो सेम रहेंगे, या तो आप नया फ्रेश एंटीवायरस को आप डाउनलोड कर लीजिए या आप अपने दोस्त के पास से लिए हैं तो वो एक ही में काम करेगा। जब आपका 32 में है और उसका आपका दोस्त के पास भी 32 तब काम करेगा, और 64 है तो 64 में करेगा, क्योंकि प्रोग्राम फाइल और जो कि X86 में आपका चेंज हो सकता है फोल्डर लोकेशन में, इसलिए मैच नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पर या तो आप इसको नया प्रेस इंस्टॉल कर लेना पड़ेगा, वो बेहतर रहेगा। और यहाँ पर दोस्तों जैसे कि अपन जो इसके स्केट करेंगे तो इसमें एक पॉइंट और आपको बताना चाहूँगा कि आप इसको जो है कि आपको बैकअप फाइल को आप डायरेक्ट अपने फोल्डर के अंदर से भी आप इसको रन करेंगे तो वर्क करता है, ये है तो इसके बारे में देखेंगे। जैसे कि इसको जो टेस्ट में जाए इसको फाइल का स्क्रैप करने में थोड़ा टाइम समय लगेगा तो इसको मैं स्किप कर दूंगा दोस्तों, ताकि इस वीडियो लंबा ना हो सके बोल के। तो ये हमारा यहाँ पर हो चुका है, ये हो गया दोस्तों। और यानी कि आप दोस्तों जैसे कि ये स्केट फाइल को आप इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं और आपके पास वो कोई इंस्टॉल नहीं किए आपने, तो आप यहाँ से आपको डायरेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ कैसे करते हैं हम उसको है कि आप जैसे कि आपके पास जो कि आपके पास किसी दोस्त के पास से आप इसको अपडेट फाइल्स को लाए हैं जो कि ऑल फाइल सेव वाले हैं, तो इसको आपको स्क्रैप करना पड़ेगा और जो कि ZV स्कैन करके इसको को डबल क्लिक करना है और उसको सीधा स्क्रॉलर को डाउन करना है यहाँ पर है, जो कि 0 का स्कैन करके आ रहा है, SCAN करके आ रहा है, आप इसको भी ओपन करेंगे यहाँ से तो ये आ गया दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और इसको मैं ये बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि आप किसी भी दोस्त के पास एक्टिवेट के फाइल को आप सेव करके डाटा को बैकअप कर लेके भी आ जाएंगे तो एक्टिवेट नहीं होता है, और मैं यहाँ पर एक्टिवेट कर लेता हूँ मैं। और जो कि दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सेव अपडेट्स है तो मैंने इससे पहले बताया है, अब इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये एक्टिवेट हो गया दोस्तों, जो कि आपके पास यहाँ से भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं, आपको इंस्टॉल करने का आवश्यकता नहीं पड़ता है, या तो आप नया इंस्टॉल कर लीजिए या तो आपके दोस्त के पास से आप जो सेव अपडेट फाइल्स होते हैं उससे भी आप उसको ले सकते हैं, लेकिन उसका की आपके पास नहीं आएगा क्योंकि उसके पास रजिस्ट्री से वहाँ से कोई भी फाइल को सेव नहीं ले रहा है। जैसे कि आप एक नया फ्रेश इंस्टॉल कर रहे हैं उसी प्रकार से ये भी जो अपडेट्स है उसी प्रकार होते हैं, आपको यहाँ पर लाइसेंस की बाय करना पड़ेगा। आप जितने भी वीडियो देखेंगे दोस्तों उसमें आपको बहुत से फेक वीडियो मिलेंगे, ऐसे नहीं होते हैं,
और आप बेहतर रहेगा कि आप इसका लाइसेंस भी आप लें। आपको बस अनलॉक कोड भी मिल जाएगा दोस्तों, वो वर्क नहीं करेगा क्योंकि आपका लैंड सर्वर आपका मैच नहीं करेगा, हार्ड डिस्क मैच नहीं करेगा, तो आपका वर्क नहीं करेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो में मैंने जो आप लोगों को बताने की कोशिश की है और इसमें आप लोग जो जानकारी प्राप्त दिया है आप समझ ही चुके होंगे दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।